नमस्कार, आप देख रहे हैं जेनाई न्यूज। जेनाई न्यूज बुलेटिन में सभी का स्वागत है। आज जनपद सहित पूरे प्रदेश एवं देश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ सभी प्रतिष्ठानों कार्यालयों में मनाया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत जैनाबाद के पंचायत भवन में ग्राम प्रधान जय सिंह वर्मा उर्फ गुड्डू एवं DDC सदस्य राम सजीवन रावत ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया और प्राथमिक विद्यालय जरमापुर की प्रधानाध्यापिका ने भी बच्चों के प्रति संदेश देकर जागरूक किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता स्टेट हेड कुलदीप वर्मा की रिपोर्ट में। देश में महिला जो है बहुत ऊंचे स्थान पे जा रही है और देश में साफ सुथरा रहे, अपने ग्राम सभा को साफ सुथरा रहे, आस पास का वातावरण भी साफ रखें, वृक्षारोपण करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित करें। प्रधान जी, आज कितने पेड़ लगाए हैं आप? आज तो 5 पेड़ लगभग वृक्षारोपण हुआ है। ऐसे तो पहले हो चुका है, 15 अगस्त की उपलब्धि में 5 पेड़ लगाए गए हैं। मेरी माटी मेरा देश जो सरकार चला रही है, इसका क्या उद्देश्य निकल रहा है? मेरे माटी मेरा देश का मतलब ये है कि जो माटी अपनी ग्राम सभा के देंगे, बच्चों को अपने स्वतंत्रता सेनानियों की समझो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, देश के प्रति कर्तव्य और निष्ठा को बढ़ावा मिलेगा, देश से जुड़ाव होगा। इससे जो जिला लेवल पर हमारे उठाएंगे ग्राम से जो कुछ विकास योजनाएं हैं जो जिला लेवल पे होती हैं, तो उनको हम इनके माध्यम से उठाना चाहेंगे, अवसर पे उनको अवगत कराएंगे कि हमारी समस्या को वहाँ पे जिला लेवल पे उठाएं। और एक बार फिर हम सभी ग्रामवासियों, समस्त प्रदेशवासियों, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पे हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि प्रधान जी बताए, आप जो है अपने क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर? हम चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सब पढ़ाए लिखाए, घर का वातावरण, गांव का अपना तालमेल से रहे। आज 70 वर्ष हो गए हैं और हमारे प्रधान जी सब पूरे हमारे पंचायत के लोग इकट्ठे हैं। हम चाहते हैं कि एकता बनाए रखें। आप अपने बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? बच्चों का संदेश ये है कि वो मेहनत से पढ़े